तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप जॉब सीकर हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से आपको। क्या आप जॉब ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं या फिर इंटरव्यूज़ में जा जा के थक गए हैं, आपकी जेब खाली हो गई इंटरव्यूज़ में जा जा के, तो उसके लिए एक आम आज इस वीडियो पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जो इन सबको सॉल्व कर रही है। टेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है पूरे एक कंपनी को, उसको कैसे सिंप्लीफाइज किया दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और जॉब सीकर के लिए भी, बंदे के लिए भी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम आशिव माथुर, आप देख रहे हैं बिजनेस बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अगर इस इंडस्ट्री की बात लेके चले तो ये जो कंपनी आती है वो आती है एच आर टेक में, और जहाँ तक मुझे पता है कि एच आर टेक में अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ एच आर टेक में आने वाली है। अगर 15-16 की बात लेके चलें तो तब इसमें थोड़ा सा पंप आया था, 69 मिलियन डॉलर्स इसमें जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें पंप किए गए थे, तो वहाँ से एक बहुत ज़्यादा बूम आया था। और फिर अब इसमें बहुत ज़्यादा कंपनियाँ अभी नहीं आई हैं, वो अंडर स्टेज पे हैं, बट अब जब आप आगे देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी बाकी है। तो भाई मैं इसमें अगर आपको बता दूं कि टेलोसिटी क्या करता है, तो टेलोसिटी क्या है कि ये इंटरव्यूज़ कराते हैं, वन वे इंटरव्यूज़ रहते हैं इनके, बॉट के थ्रू ये कराते हैं। तो ये अपनी वीडियो शेड्यूल करते हैं जो कि जो है हेल्प करता है प्री स्क्रीनिंग वीडियोज़ में आपको बॉट के थ्रू और एआई के थ्रू। अगर मैं हूँ तो मैंने उस पर इंटरव्यू दे दिया है उनके वहाँ पे, एक बॉट के साथ इंटरव्यू दे दिया है। तो ये जो बेसिकली जो मेन जो ये सारा रोल है इनका जो ये हेल्प करते हैं वो ये होता है कि राउंड वन और राउंड टू क्लियर करने में ये हेल्प करते हैं। तो वो एआई जो है वो मेरे को रेटिंग देगा अपने हिसाब से कि मेरी कौन से स्किल अच्छी है, इंग्लिश में मैं कैसा हूँ और जो बाकी जो थिंग्स हैं उसके हिसाब से इनको स्किल सेट बनेगा। तो इनका जो मोटा मोटी कहना था कि 2 साल से ज़्यादा तो हमें ये सब बिल्ड करने में ही लग गया था। तो इसमें जॉब सीकर्स और जो कंपनीज हैं जो हायर करना चाहती हैं उनका यही फ़ायदा होता है कि उनका टाइम बचता है, उनका पैसा बचता है दोनों तरफ से। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपका भी पैसा खर्च हो रहा है, और कंपनी अगर किसी को बुला रही है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, कोई बंदे बैठा रखे हैं उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए, पूरी टीम होती है उनकी, तो उनका भी टाइम वो हो रहा है। और वो जो राउंड वन और राउंड टू के जो बंदे होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इस जो गैप को था तो इस जो ये गैप था ये इन्होंने फिलफिल करने की कोशिश करी है अपनी टेलोसिटी कंपनी की मदद से, जो कि ये कहते हैं कि जो लेवल वन और लेवल टू के जो इंटरव्यूज़ हैं जो आप हायर करना चाहते हो तो वो आप हमारे यहाँ से देख सकते हो, और बाकी जो फेस ऑन फेस इंटरव्यू होता है वो आप अपनी कंपनी में जो गिने चुने हैं बिल्कुल थोड़े से वो आप बुला के पर्सनली कर सकते हो। तो ताकि लेवल वन और लेवल टू से दोनों का खर्चा बच गया, जॉब सीकर को भी वहाँ नहीं जाना पड़ा और कंपनी को भी पूरी इनके लिए अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ी। जॉब सीकर के लिए एक और फ़ायदा हो गया कि इसको उसकी स्किल सेट्स का पता चल गया कि भाई इतनी मेरी स्किल सेट है और ये रेटिंग है, तो मेरे को अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं या फिर कैसे क्या है वो भी उसको पूरा समझ में आ गया। तो पहला तो इनका यही रहता है कि जो जॉब सीकर बंदा है वो अपना इंटरव्यू देता है बॉट और एआई की उससे, और फिर उसको रेटिंग वगैरह मिलती है, और फिर जो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू भी ये शेड्यूल कराते हैं, और जो लास्ट में आता है फिर फेस ऑन फेस इंटरव्यू होता है। तो सिर्फ कंपनी को जो हेल्ड करना है वो सिर्फ लास्ट वाला फेस ऑन फेस करना है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा घट जाती है। और ये जो टेलोसिटी जो कमा रही है तो वो जो वीडियोस जो देखते हैं इनकी तो वो वहाँ से कमाती है। जो भी ब्रांड है, जो भी एक कंपनी है अपने हायर करना चाहती है बंदों को, तो वो लेवल वन और लेवल टू के जो इंटरव्यूज़ हैं वो नहीं रखेंगे, वो सीधे इनसी वीडियोस मंगा लेंगे, वीडियोस देखेंगे, वीडियोस में जिसकी भी रेटिंग लगेगी, जिसको भी इसमें सही लगेगा वो उनको फिर सीधा फेस इन फेस इंटरव्यू के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए बुला लेंगे। तो जो स्किल सेट है उसमें काफ़ी सारे इनके वो हैं, पर्सनैलिटी रिपोर्ट देता है आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं इस लिस्ट में। तो ये सब आप जाके उनकी साइट पे चेक कर सकते हो, कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इनके ब्रांड्स हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को ये सर्व करते हैं। और यहाँ से मेरे को लगता है कि मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। और अगर आप कोई जॉब सीकर हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट हैं जो इनकी मदद लेना चाहते हैं तो आप भी इनकी साइट पे जाके इनसे कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो इनकी सर्विस रेंज है वो 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक जाती है, जिसमें अलग अलग इनके कॉम्बोज वगैरह रहते हैं जैसा भी क्लाइंट चाहता है वैसे। तो ये कंपनी शुरू करी थी केतन दीवान ने, जो कि 39 ईयर ओल्ड थे। ये जो फ़ोन का एरा चला था 2011 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, गुड़गांव बेस्ड कंपनी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी शुरुआत में इनको तो फाइंड करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, तो उसके भी ये काम कर रहे थे। और वहाँ पर ही आते इनकी रीयूनियन, इनके कोई बचपन के छोटे बेस्ट फ्रेंड आए दिलप्रीत सिंह,
तो वो वहाँ पे मिलते हैं और इस आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर इस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना चालू करते हैं। और लाइक इन्होंने पहले ही दोनों ने हॉस्पिटैलिटी और ITES सेक्टर में काम कर रखा होता है, तो इनको एक अच्छा वो मिलता है वहाँ से। बट इनकी जो मेन इशू आता है वो टेक्निकल पार्ट पे आता है, तो इनको एक ऐसा बंदा ऑन बोर्ड लाना था जो कि एक इनका टेक्निकल पार्ट संभाल सके। तो वहीं पे ये लाते हैं एक 24 ईयर ओल्ड रजत सुनेजा, जो कि इनकी एक टेक हेड हैं। तो काफ़ी सारे जो इनके पार्टनर्स हैं वो लाइक इन्होंने एक कंपनी हायर की थी तो वहाँ से भी आई हैं। तो ये इनकी एक शॉर्ट शॉर्ट हिस्ट्री थी। और अगर इनके चैलेंजेस की बात लेके चलें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके चैलेंजेस जो आए थे कि इन्होंने 200 से ज़्यादा इनको अपना AI बेस बनाने में, और जैसे कैसे वो बॉट वगैरह काम करेंगे, कैसे AI काम करेगा, तो उसी में लगा दिए थे। और जो आज की डेट में है कंपनी, ये कहती है कि 20,000 से ज़्यादा ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं हमारे पास जो कि हम कंपनी से भेजते हैं और उनसे पैसा चार्ज करते हैं, और 100 का जो डेली बंदा है हमारे उस पर इंटरव्यू दे रहा है आज। और अगर फंडिंग की बात लेके चले तो ये जाना जाता है कि इन्होंने एक सीड राउंड फंडिंग उठाई तो है, बट वो अभी डिस्क्लोज है कि कितने की उन्होंने फंडिंग उठाई और कैसे कैसे क्या है। और अगर इनके फ्यूचर प्लान की बात लेके चलें तो फ्यूचर प्लान इनके यही हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक UK और US में ये अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, और तो जल्दी ये अपनी जो सर्विसेज हैं ये लॉन्च करेंगी US UK जैसी कंट्रीज़ में। तो 2011 में ये कंपनी शुरू हुई थी और आज मान लें 2019 ख़त्म होने वाला है, और अब ये थोड़ी थोड़ी न्यूज़ में आने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो HR टेक है इंडिया में, ये जो स्टार्टअप का ग्रुप है, जो इंडस्ट्री है, ये अभी अंडर डेवलप स्टेज है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने बाकी हैं। लाइक यार इनको मैं हैड्स ऑफ देता हूँ कि 2011 से 2 साल इन्होंने सिर्फ कंटेंट बनाने में, अपना जो मशीनरी वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह ये सब बनाने में लगा दिए, और अब ये थोड़े रिकॉग्नाइज होने लगे हैं, अब थोड़ी इन्हें फंडिंग मिलने लगी है और इतने दिन से ये बैठे हुए थे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है गाइज। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझसे पूछना, लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और यार शेयर ज़रूर करना जो भी जॉब सीकर बंदा है आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो भी जॉब पाना चाहता है और उसके मतलब ऐसी सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई थी, वो अपने स्किल सेट्स के बारे में जानना चाहता है कि मेरे कैसे स्किल सेट्स हैं, जॉब के लायक हैं या नहीं है, तो उसमें आप ज़रूर उसको शेयर करना गाइस। थैंक यू।